सर स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने स्टाम्प पेपर में घोषणा पत्र देने की शुरुआत की, आप इस चीज़ को पुनः दोहरा रहे हैं, क्या कुछ जनता पे असर दिखेगा इस बार? मैं चैलेंज दे रहा हूँ आप ही के चैनल के माध्यम से, द न्यू रे, हमारे छत्तीसगढ़ में अगर बोले तो नवा अंजोर, आपके माध्यम से हम चैलेंज दे रहे हैं बीजेपी को भी कांग्रेस को भी कि आप भी शपथ पत्र लेके आइए। आपको किसी पार्टी की तरफ से कोई ऑफर आया है क्या? ऑफर, काउंटर ऑफर, ये तो राजनीति ही है। जिस तरह नजरअंदाजी की गई थी कांग्रेस में, क्या वर्तमान में टीएस सिंहदेव के साथ वही किया जा रहा है? परंतु क्या छत्तीसगढ़ की जनता जोगी परिवार को समझ पाई? आज भी लोग अगर हमारे साथ हैं तो वो केवल जनता का प्यार है जोगी जी के प्रति, उसके अलावा और कोई कारण मुझे नहीं दिखता। प्रदेश में चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, नेता और कार्यकर्ता अपनी कमर कस चुके हैं। ऐसे में टीएनआर न्यूज़ पड़ताल करेगी कि कौन आगामी चुनाव के वो चेहरे सामने आएंगे जो अगली बार जनता का दिल जीतेंगे। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है आभास मधुकर और आप देख रहे हैं द न्यूरे न्यूज़ की खास पेशकश सवाल जो आपका है। साथियों आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी के सुपुत्र अमित जोगी जी और वर्तमान के JCCJ के अध्यक्ष। जोगी जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद आभास। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक हैं। सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम आपके बचपन के जीवन को याद करना चाहेंगे, आप अपने बचपन के बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए। बचपन जिंदगी का सबसे सुनहरा काल होता है। एक ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मेरा जन्म अमेरिका में हुआ, मेरी मौसी वहीं रहती थी, वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं पेशे से। उस समय मेरे पिताजी की पोस्टिंग सीधी ज़िले में थी, वहाँ के वो कलेक्टर थे, तो ऐसे में मेरी मौसी ने उनको वहीं बुला लिया और वहाँ मेरा जन्म हुआ। जब मेरे पिताजी राजनीति में आए 1986 में, तब उन्होंने देखा कि जो गवर्नमेंट सर्विस में एक स्थायीता रहती है वो राजनीति में संभव नहीं है, और उन्होंने भी देख लिया था कि राजनीतिज्ञों के बच्चों का क्या हाल होता है, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया, मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने, कि मुझको पढ़ाई के लिए वे बाहर भेजें। मैं दक्षिण भारत में कुछ समय अपनी जो प्राइमरी और मिडिल स्कूलिंग है वहाँ पर मैंने करी, और उसके बाद जब मैं लौटा अपनी पढ़ाई से तो मुझको यहाँ पर जो दिल्ली का सेंट स्टीफन्स कॉलेज है वहाँ पर पढ़ने का मौका मिला, उसके बाद JNU में पढ़ने का मौका मिला, और परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि जब मैं छत्तीसगढ़ आया तो वकालत की भी मैंने पढ़ाई करी, और ईश्वर की, माँ सरस्वती की ये कृपा रही है कि जिस जिस परीक्षा में मैं बैठा हूँ, चाहे वो सेंट स्टीफन्स हो, चाहे JNU हो, चाहे पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय हो, हर जगह मुझे गोल्ड मेडल ही मिला है। तो ये मैं अपनी कोई काबिलियत नहीं, इसे मैं माँ सरस्वती का, ईश्वर का वरदान मांगता हूँ। और बचपने की तो बहुत सारे यादें होती हैं, आप देख रहे हैं अगर आपका फ्रेम इस तरफ घूम सकता है मेरे ऑफिस में, तो मेरे बचपने की कुछ फ़ोटोज़ हैं। यहाँ मैं और मेरे पिताजी नाव चला रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, शायद ये नैनीताल की तस्वीर है। सामने आप देखेंगे तो मेरे पिताजी, उस समय कलेक्टर को एम्बेसडर कार मिलती थी तो मुझे अपनी गोद में बैठा के वो ड्राइविंग करना सिखाते थे, तो उसकी भी एक फ़ोटो आपको दिखेगी। वहाँ अगर आप देखेंगे तो मेरे पहले जन्मदिन की भी फ़ोटो है, जब मेरा जन्मदिन, जब वो शहडोल में कलेक्टर थे तब उन्होंने मनाया था। तो एक बहुत ही सुखद
बचपना रहा है मेरा, बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे पिताजी की जो एक आदत है जो मुझ में भी आ गई वो पढ़ने की है। वो बहुत पढ़ते थे, किताबों का उन्हें बेहद शौक़ था, तो वो शौक़ उन्होंने मुझको भी विरासत में दिया। और मैं बचपन की जब याद करता हूँ तो बहुत सुकून महसूस होता है। एक बहुत ही स्वर्णिम मेरी ज़िंदगी का समय मेरा बचपन था। आपके प्रेरणा स्रोत क्या आपके स्वर्गीय जोगी जी रही रहे हैं, आपके पिताजी? जी हाँ, केवल मेरे ही नहीं, मैं समझता हूँ कि लाखों छत्तीसगढ़ के नौजवानों के वो प्रेरणा स्रोत हैं। आपको शायद ही भारत के इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसने एक छोटे से गांव में एक किसान परिवार में जन्म लिया, MACT जैसी जो अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल है वहाँ पे यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल प्राप्त किया है इंजीनियरिंग में, उसके बाद इंडियन पुलिस सर्विस में IPS में उनका चयन हुआ, उसके बाद उन्होंने IAS की परीक्षा दी, पूरे भारत में उनका 8वां रैंक था, मध्य प्रदेश में तो पहले रैंक पे थे ही वो। उसके बाद उनको राज्यसभा में आने का अवसर मिला, लोकसभा में आने का अवसर मिला, जो देश की उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी उसके वो मुख्य प्रवक्ता बने, उसके जो सर्वोच्च समिति है कांग्रेस वर्किंग कमेटी उसके वो आज तक के सबसे लंबे कार्यकाल के सदस्य रहे, और छत्तीसगढ़ महातारी के आशीर्वाद से वो प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बने। तो उनका जो जीवन है वो बहुत प्रेरणादायक है। 2004 में उनका भीषण एक्सीडेंट हो गया, गर्दन से नीचे उनका शरीर चलना लगभग बंद हो गया, उसके बावजूद उन्होंने शेरों की तरह लड़ाई लड़ दी। और एक साल नहीं, दो साल नहीं, जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो डॉक्टरों ने मुझे कहा था कि आपके पिताजी ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 साल अगर निकाल लें तो बहुत बड़ी कृपा होगी ईश्वर की। लेकिन वो 2004 में एक्सीडेंट हुआ, 2020 तक तमाम चुनौतियों का सहारा करते हुए ये बोलते हुए कि पहाड़ों का सफ़र था, शीशे का बदन था, यहाँ लौट आया हूँ, आपके बीच हूँ, आपकी दुआओं का असर था। तो लोगों की दुआएं हमेशा मेरे परिवार के साथ रही हैं और यही हमारी असली ताकत है। जोगी जी की भूमिका हमें ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के लिए सबसे आगे है। हम हर राजनेताओं की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में जो उन्होंने अपना योगदान दिया वो सारे मंत्रियों से आगे था, सारे नेताओं से आगे था, परंतु क्या छत्तीसगढ़ की जनता जोगी परिवार को समझ पाई? यहाँ की जनता, जनता का प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नेताओं की मैं बात नहीं करता, जितना यहाँ के नेताओं ने, चाहे भाजपा के नेता हों चाहे कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने जितना मेरे परिवार का, मेरे पिताजी का, मेरा अपमान किया, उतना ही ज़्यादा जनता ने हमें मान दिया, सम्मान दिया। आज अगर जोगी परिवार, 2003 के बाद तो हम लोग सत्ता में नहीं हैं, उसके बाद इतने लंबे समय से अगर चले आ रहे हैं, 20 साल, आज भी लोग अगर हमारे साथ हैं तो वो केवल जनता का प्यार है जोगी जी के प्रति, उसके अलावा और कोई कारण मुझे नहीं दिखता। अगर हम एक भावनात्मक बंधन के बारे में बात करेंगे जोगी जी के साथ जनता के लिए, छत्तीसगढ़ की नींव जोगी जी ने रखी, अब आप हमें बताइए कि यहाँ के जनता क्या उन दिनों को याद करते हैं? जब वो नया राजधानी देखती हैं तो उनको याद आता है कि जोगी जी ने ही इसको बनाया। जब वो क्रिकेट मैच होता है, तेंदुलकर आते हैं और दुनिया भर के क्रिकेटर आते हैं, यहाँ मैचेस होते हैं, तो देखते हैं कि इंटरनेशनल स्टेडियम भी उन्होंने बनाया। जब वो बीमार पड़ते हैं, एम्स जाते हैं, तब वो देखते हैं कि ये अस्पताल भी जोगी जी ने ही बनाया। मैं रायपुर की बात कर रहा हूँ। तो जितना विकास कार्य उस समय हुआ, उस समय का बजट क्या था राज्य का? मात्र 4,000 करोड़। आज हमारे प्रदेश का बजट 1,80,000 करोड़ हो गया, मतलब 40 गुने से ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बावजूद उस समय उन्होंने
जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो आप तो शायद उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे। पूरे प्रदेश में अकाल की स्थिति थी, लेकिन मेरे पिताजी ने काम के बदले अनाज योजना चालू करी। पूरे देश में पहली बार धान खरीदी अगर किसी सरकार ने चालू करी तो हमारी जोगी सरकार ने चालू करी, और किसी भी गरीब को उस समय पसिया पीने की नौबत नहीं आई। ये उस समय के लोग याद रखते हैं। आज आप जब आप गिरौदपुरी धाम जाएंगे, वहां देखेंगे कि कुतुब मीनार से भी दो गुना ऊंचा जैतखाम खड़ा है, तो किसने बनाया? बिलासपुर में अपोलो अस्पताल किसने बनाया? आज मैं पढ़ रहा था अभी पिछले हफ्ते इंडिया टुडे नामक एक मैगजीन ने भारत के जो टॉप शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनका रैंकिंग किया। उसमें केवल एक ही संस्था छत्तीसगढ़ की है, HNLU, हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। उसका निर्माण किसने किया? जोगी जी ने। तो जितनी भी परंपराएं हैं, जिस रास्ते पर रमन सिंह चले, जो उनका सीधा रास्ता था, जो थोड़ा बहुत भूपेश बघेल का भी सीधा रास्ता है, मैं टेढ़े रास्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जोगी जी का दिखाया हुआ ही रास्ता है। जिस तरह नज़रअंदाजी की गई थी कांग्रेस में, क्या वर्तमान में TS सिंहदेव के साथ वही किया जा रहा है? मैं ये नहीं मानता कि स्वर्गीय अजीत जोगी जी के साथ कांग्रेस ने कभी कोई नज़रअंदाजी करी। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि कांग्रेस ने उन्हें अपने मुख्य प्रवक्ता, उस अभी आजकल तो आप देखते हैं कि 20 प्रवक्ता हो गए, उस जमाने में एक ही प्रवक्ता हुआ करता था। वो एक प्रवक्ता पूरी पार्टी का माननीय श्री अजीत जोगी जी थे। उसके बाद आप देखेंगे वर्किंग कमेटी लगातार 1997 से आप देख लीजिए 2016 तक वो उस समिति के सदस्य रहे, कई विभागों के अध्यक्ष रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्होंने उनको कांग्रेस पार्टी ने बनाया। ये बात मैं ही नकार रहा हूं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब मेरे पिताजी ने ठाटापुर में, जो उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का गांव है, वहां पर 2016 में नई पार्टी बनाने का, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ बनाने का ऐलान किया, तब भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि मैं किसी रंजिश के कारण या पीड़ा के कारण कांग्रेस नहीं छोड़ रहा हूं, मैं इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि अब मुझको विश्वास हो चुका है कि अगर छत्तीसगढ़ को आगे ले जाना है, छत्तीसगढ़ियों का विकास करना है। एक नारा उन्होंने दिया था, आजकल सबके मुंह पे वो नारा रहता है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अगर छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बनाना है तो यहाँ पर एक ऐसी सरकार बनानी होगी जिसका आला कमान दिल्ली में नहीं छत्तीसगढ़ की जनता ही होगी। उन्होंने अन्य राज्यों से तुलना करी। सन 2000 में जब हमारा राज्य बना, तब पर कैपिटा इनकम, मतलब प्रति व्यक्ति औसतन आय, छत्तीसगढ़ में 90,000 रुपया थी। आज 2023 में वो बढ़कर 1,17,000 हुई, मतलब 23 साल में कितना बढ़ा? 27,000। तेलंगाना राज्य हमारे पड़ोस में है, वो 2014 में बना, आज 2023 में वहां पर प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम 3.5 लाख पार कर चुकी है, 3 गुना ज्यादा हो चुकी। तो फर्क क्या है तेलंगाना में और छत्तीसगढ़ में? कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय दलों की सरकारें रही और वहां पर क्षेत्रीय दल की सरकार रही। और अगर आप पूरी देश की स्टडी करेंगे तो जहां जहां क्षेत्रीय दलों की सरकार बनी है, रिपीट हुई है, उन राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा 7.5 गुना ज़्यादा विकास दर रही है। सर, स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने स्टाम्प पेपर में घोषणा पत्र देने की शुरुआत की, आप इस चीज़ को पुनः दोहरा रहे हैं, क्या कुछ जनता पे असर दिखेगा इस बार? भारतीय राजनीति में अगर देखें तो बहुत तेज़ी से
जनता का अपने नेताओं के प्रति विश्वास खत्म होते जा रहा है। ये जो वादे करते हैं जब सरकार में आते हैं तो तत्काल भूल जाते हैं, इसको मैं गजनी सिंड्रोम बोलता हूँ। आपने पिक्चर देखी होगी गजनी। गजनी में आमिर खान जी का जो किरदार है उसको एक अजीब बीमारी हो जाती है, वो हर 15 मिनट में भूलने लगता है, इसलिए मजबूरीवश उसको अपने हाथ में अपने शरीर में पूरा गोदना पड़ता है, टैटू बनाना पड़ता है। हमारे नेता तो गोदना नहीं कर रहे हैं, टैटू नहीं बना रहे हैं, पर हर 15 मिनट में वो भूल जाते हैं जो भी वादा करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो। तो इसीलिए घोषणा पत्र का मूल्य जिस कागज में वो लिखा गया है उससे भी आधा भी नहीं है। इसीलिए जोगी जी ने कहा कि मैं घोषणा पत्र नहीं दूंगा, मैं शपथ पत्र, मतलब अंग्रेजी में जैसे बोलते हैं नोटराइज्ड एफिडेविट, एफिडेविट भरूंगा कि अगर मेरी सरकार बनती है तो इतने दिनों में मैं ये काम करके दूंगा, और अगर नहीं करता हूं तो उस एफिडेविट के आधार पर कोई भी छत्तीसगढ़ का मतदाता, कोई भी छत्तीसगढ़ का नागरिक अपने मुख्यमंत्री को कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर सकता है, उससे प्रश्न पूछ सकता है, उसके खिलाफ मुकदमा चला सकता है, और अगर वो सही पाया गया तो 2 साल की सजा भी मुख्यमंत्री को भोगनी पड़ेगी। अगर वादा किया है तो निभाना भी पड़ेगा। इसीलिए और आज मैं चुनौती दे रहा हूं कि मैं फिर से, मेरे पिताजी तो एक घोषणा पत्र लेके आए थे, मैं प्रदेश के लिए एक घोषणा पत्र और 90 विधानसभाओं के लिए 90 अलग अलग जो मेरे प्रत्याशी हैं वो घोषणा पत्र दाखिल करेंगे, और जो वादा कर रहे हैं उसमें बड़े सोच समझ के करें, उलझुल वादे ना करें, जो पॉसिबल है उसी को वो उस शपथ पत्र में लिखें, एफिडेविट दाखिल करें और जनता के बीच जाएं, तब जाके राजनीति में लोगों का विश्वास बढ़ेगा। जब जनता को मालूम है कि हमारे पास 5 साल में एक बार मौका आता है, पर अब हमारे पास हर रोज मौका है, कहीं कुछ गड़बड़ हुई तो हम जाएंगे न्यायालय और आपको कटघरे में खड़ा करेंगे। अब तक छत्तीसगढ़ के राजनीति में जो चीज़ें हुई, आप इस चीज़ को एक बार सोच कर देखिए कि आप जो बात बोले हैं कि पूरे 90 विधानसभा क्षेत्र में आप शपथ पत्र जारी करेंगे, ये कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जनता केवल आपको ही वोट देने की सोचेगी अगर इस चीज़ की हम बात करें तो। क्या विपक्ष के तरफ से कोई बयान अभी तक आया आपकी इस बातों को सुनकर? मेरे पिताजी कई बार बोले, मेरे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जब भी इलेक्शन कमीशन की मीटिंग होती है हम लोग हमेशा ये सुझाव देते हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टीज से, कैंडिडेट से उनके घोषणा पत्र के ऊपर भी एक एफिडेविट भरवाइए कि जो आप घोषणाएं कर रहे हैं उसकी आप पालन करेंगे। पर आज मैं चैलेंज दे रहा हूं आप ही के चैनल के माध्यम से, द न्यू रे, हमारे छत्तीसगढ़ में अगर इसे बोलें तो नवांजोर, आपके माध्यम से हम चैलेंज दे रहे हैं बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी, कि आप भी शपथ पत्र लेके आइए। अगर आज रमन सिंह शपथ पत्र पे जो वादे किए थे वो लिखते, भूपेश बघेल जी जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे वो शपथ पत्र में लिखते, तो निशर्त थे वो जेल में होते। सर, चुनाव जैसे ही पास आ रहा है, पार्टियों में फेरबदल शुरू हो चुकी हैं, आपको किसी पार्टी की तरफ से कोई ऑफर आया है क्या? ऑफर, काउंटर ऑफर, ये तो राजनीति ही है जी। पर जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, 2023 की हमारी पार्टी की रणनीति की बात है, वो मैंने कई बार स्पष्ट कर दिया है, ना हमारा कांग्रेस के साथ विलय, ना हमारा भाजपा के साथ विलय, ना हमारा किसी और दल के साथ विलय। हम चाहते हैं कि जो गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई वोट है छत्तीसगढ़ में वो विखंडित ना हो, जगह जगह नहीं बिखरे,
एक जगह पड़े ताकि हमारे विधायक चुन के छत्तीसगढ़ में विधानसभा में जा सके, वहाँ जनता की आवाज़ बुलंदी से उठा सके। इस लक्ष्य से मैंने ये नतीजे पे निर्णय लिया कि अब हम लोग जो आंचलिक दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनका एक साझा गठबंधन तैयार करने की कोशिश करेंगे और संयुक्त रूप से कांग्रेस के खिलाफ भी, भाजपा के खिलाफ भी। लोगों ने 15 साल भाजपा का शासन देख लिया, 5 साल कांग्रेस का शासन देख लिया, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा और कांग्रेस ने ठगा नहीं। दोनों केवल छत्तीसगढ़ को देखते हैं तो उनको एटीएम दिखता है, यहाँ की जनता नहीं दिखती। धर्मजीत सिंह के ऊपर पार्टी के विलय का आरोप था, वो भाजपा से मिलाना चाहते थे, अब उन्होंने खुद पार्टी बदल दी, तो वो जो आरोप था वो सिद्ध हो गया। सिद्ध हो गया। अगर हम 1 साल पहले वो कदम नहीं उठाते तो आज मेरा हाल जैसे उद्धव ठाकरे जी का हाल है, जैसे शरद पवार जी का हाल है, वैसे ही होता। मेरे पास तो मेरी पिताजी की पार्टी ही नहीं बचती, ये लोग तो जाके विलय कर लेते। तो सही समय पे ईश्वर ने मुझे सद्बुद्धि दी जी। और कम से कम आज जी जोगी जी की जो पार्टी है जी वो मजबूती के साथ मैदान में उतर रही है, लोगों के घर घर जा रही है, लोगों से मिल रही है, उनका आशीर्वाद दे रही है। चुनाव के बाद अगर भाजपा या कांग्रेस को बहुमत मिलता है और आपको ऑफर किया जाता है चुनने के लिए, आप किन्हें चुनेंगे? कि आई विल प्रिफर अ बैड कांग्रेस गवर्नमेंट टू अ गुड बीजेपी गवर्नमेंट। भाई हम एक बुरी कांग्रेस सरकार पसंद करेंगे एक अच्छी भाजपा सरकार की अपेक्षा। चुनाव से कुछ समय पहले ही अभी बेरोजगारी भत्ता भूपेश सरकार ने लेकर आई, साफ साफ नज़र आता है कि एक चुनावी रणनीति है। आप हमें ये बताइए कि क्या सरकार शराबबंदी भी ऐसे ही करा देगी चुनाव से पहले? जो सरकारी आंकड़े उन्हीं पे मैं बात करता हूँ, हालांकि मेरा उस पर बहुत कम विश्वास रहता है। पूरे प्रदेश में जितने भी रोजगार कार्यालय हैं उसमें 16 लाख बेरोजगारों का पंजीयन विधिवत हुआ है। भूपेश बघेल जी 4.5 साल तक तो उन्होंने भत्ते की बात की नहीं, जो उनसे भत्ता मांगने गया उसको केवल धक्का मिला। अब चुनाव के ठीक 3 महीने पहले उन्होंने कहा ठीक है मैं भत्ता दूंगा, पर कितने लोगों को दे रहे हैं? मात्र 60,000 लोगों को, मतलब 2% भी जो प्रदेश के बेरोजगार हैं उनको भत्ता नहीं दिया जा रहा है। ये ऊंट के मुंह में जीरा डालना और वाहवाही लूटना, ये तो इनकी पुरानी आदत हो गई है। कर्जा माफी में भी, अरे हमारे प्रदेश में आज 90,000 करोड़ रुपया किसानों के ऊपर है। अधिकांश कर्जा जो है राष्ट्रकृत बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, इनका है। उस पर तो कोई काम किया नहीं। जो थोड़ा बहुत 6,000 करोड़ रुपये का इसमें कर्जा था जो सहकारिता में लंबित था, उसको 1 साल के लिए माफ कर दिया। मतलब इसमें भी आपने 2% काम किया, ऊंट के मुंह में जीरा डाला और पूरी वाहवाही लूट रहे हो। ये सरकार केवल और केवल वाहवाही लूटना जानती है। ईडी की कार्रवाई के ऊपर भूपेश सरकार कहती है कि भाजपा के इशारों पर नाच रही है, आप इसको किस रूप से देखते हैं? जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा देश के सामने कि मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध महासंग्राम करने वाला हूं, एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, तो क्या हम ये मान लें कि जितने भी नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं या उनके सहयोगी दल में हैं या उस दल में जाते हैं तो वो पाक साफ हो जाते हैं, दूध से धुल जाते हैं, दूध के धुले बन जाते हैं? यहां पर जो ईडी की कार्रवाई हो रही है केवल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ क्यों हो रही है? 15 साल में क्या डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में, जिसको मैं बोलता हूं दमन सिंह की सरकार, उन्होंने, उनके मंत्रियों ने कितने बड़े बड़े होटल खड़े कर दिए, क्या क्या प्रॉपर्टी ली है, किन किन देशों में ली है, किन किन बड़े बड़े शहरों में ली है, उसकी कोई जांच नहीं हो रही है।
एक नेता है जिसने अपना अभी घर बनाया 5,00,000 स्क्वायर फीट का घर, जितने बड़े मॉल नहीं होते उतना बड़ा तो घर बना दिया। पूर्व मंत्री थे, 15 साल तक मंत्री रहे, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? और मैं ये पूछता हूं कि 16,000 की चार्जशीट आप लेके आए हैं, वो अभी कल परसों तक मेरी टेबल में ही पड़ी थी, उसको मैंने पूरा पढ़ा। 16,000 पन्नों में 15,753 पन्ने उसमें उल्लेख है कि प्रदेश के मुखिया हाईएस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी, तो उसके खिलाफ अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई? क्योंकि एक डील हो चुकी है भूपेश बघेल और प्रधानमंत्री जी के बीच, डील हो गई है कि मैं तुमको छोड़ रहा हूं, तुम कांग्रेस को छोड़ो और एकनाथ शिंदे बन जाओ। अब प्रश्न यह है कि एकनाथ शिंदे क्या चुनाव के पहले उन्हें बनाना है या चुनाव के बाद? आपकी सत्ता आती है, आप किस रूप से देखते हैं मुख्यमंत्री के चेहरे पर कौन होगा? मैं क्या सोचता हूँ नहीं सोचता हूँ उसका कोई मायने नहीं है, पर मैं एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहूँगा जो हर चीज़ के लिए भागे भागे दिल्ली ना जाए। हमें उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है, पैसा लाओ। हमें आसाम में चुनाव लड़ना है, हमें गुजरात में चुनाव लड़ना है, हमें दिल्ली में चुनाव लड़ना है, हमें फला जगह लड़ना है, पंजाब में लड़ना है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा मुख्यमंत्री अपने दिल्ली में बैठे आकाओं का एटीएम बन जाए, ये तो पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कुछ भी अगर वो फैसला करना चाहता है तो उसको कई दिन अपनी पार्टी के दिल्ली दरबार में हाथ जोड़कर अर्जी लगानी पड़ती है कि साहब मैं ये करना चाहता हूँ, परमिशन दो। मैं एक ऐसा मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ, नवीन पटनायक जैसा, ममता बनर्जी जैसा, जगन मोहन रेड्डी जैसा, केसीआर जी जैसा, एमके स्टालिन जैसा, जिसको दिल्ली से पूछने की जरूरत नहीं है, जिनका हाई कमांड वहां की जनता है। अगर उसे किसी से पूछना है, किसी से परमिशन लेनी है, तो अपनी जनता से वो परमिशन लेके उनकी आज्ञा का पालन करे, ऐसा मुख्यमंत्री मैं छत्तीसगढ़ में देखना चाहता हूं। तभी छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बनेगा, छत्तीसगढ़ देश का नंबर वन राज्य बन सकता है। आगामी चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है आपके पार्टी में? मेरे पिताजी ने चुनाव का शंखनाद, उस समय जो मुख्यमंत्री थे रमन सिंह जी, उनके गांव ठाठापुर में जाकर घोषणा करी कि मैं ये पार्टी बना रहा हूं। इस पार्टी का मेन उद्देश्य रमन मुक्त, दमन मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है। उसी परंपरा के परिपालन में आज मैं पाटन क्षेत्र जा रहा हूं और वहां से हमारी पार्टी का शंखनाद होगा। अगले 30 दिनों में मैं 50 विधानसभाओं में जाऊंगा, वहां सभाएं लूंगा और लोगों से अपनी बात सीधे तौर पर करूंगा। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि टाइगर मर गया है, उसको समझ में आ जाएगा कि अभी भी टाइगर जिंदा है और अभी भी जितना पहले दहाड़ता था उससे अब दुगना और दहाड़ रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि शेर से अगर कोई खतरनाक होता है तो वो घायल शेर होता है। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ की जनता से मैं यही कहूँगा कि अब बहुत समय हो गया, 15 साल आपने बीजेपी को देख लिया, 5 साल कांग्रेस को देख लिया, एक मौका आप अपने इस बेटे को भी दीजिए। मुझे न राहुल गांधी से कुछ पूछना है, न मुझे मोदी जी से कुछ पूछना है, मेरा तो सब कुछ, मेरा हाईकमान आप हैं, यहाँ की जनता हैं, आप तय करेंगे अपना भविष्य। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अन्य राज्यों की तरह आप जाइए तेलंगाना, आप जाइए उड़ीसा, आप जाइए बंगाल, वहाँ देखिए क्या विकास हो रहा है। आप क्या चाहते हैं कि ऐसा ही विकास यहाँ छत्तीसगढ़ में हो? तो फिर आप जरूर हमारे जो क्षेत्रीय दलों का गठबंधन है उसको अपना बहुमूल्य वोट देके जिताएं।